आज हम आए थे कुमाऊं केसरी के एक इवेंट में, मॉडलिंग इवेंट था, एक्टिंग इवेंट था, काफ़ी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ मुलाकात हुई हमारी एक मॉडल मैम से, इन्होंने काफ़ी खिताब जीत रखा है। तो सलोनी मैम, कैसा लगा आपको हमारे चैनल फिल्मी चाणक्य में आगे? पहले तो बहुत बहुत थैंक्स अपने चैनल पे मुझे बुलाने का। जैसा कि आपने कहा, मैंने बहुत खिताब जीते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी मैंने कौन कौन से खिताब जीते हैं। मैंने मिसेस एलाइड ग्लोबल अर्थ इंटरनेशनल 2018 का टाइटल विन किया है, और दूसरा टाइटल जो मैंने विन किया वो एमएस वर्ल्ड डाइवर्सिटी रनर अप इन दुबई में विन किया हुआ। मैम, ये जो मॉडल्स की लाइफ होती है काफी चकाचौंध भरी रहती है, तो थोड़ा सा बताएंगे आपकी कैसी जिंदगी जी रहे होते हैं मॉडल? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक कैमरा होता है जो दिखाता है कि मॉडल सिर्फ चकाचौंध की जिंदगी रहती है। जैसे सब जीते हैं वैसे सिंपल लाइफ हम भी जीते हैं और मॉडल भी जीती है। वो तो चकाचौंध ऐसा हो गया कि आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है कि आपको इवेंट्स में जाना है, मॉडलिंग करनी है, तो उसमें लाइट, एक्शन, कैमरा सब कुछ आ जाता है, तो अपना आप ही चकाचौंध बन जाता है और विद ग्लैमर के साथ। आपने जो पहला खिताब जीता है, क्या नाम बताया आपने उस खिताब? मिसेस एलाइड ग्लोबल अर्थ इंटरनेशनल 2018। क्या प्रोसेस होता है ये खिताब तक पहुंचने का? ऐसा होता है, पहले आप ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं, बिल्कुल उसमें ठीक है, आप फॉर्म वगैरह भरते हैं, उसमें क्वेश्चन वगैरह होते हैं, फिर आप वहाँ जाते हैं और भी कंटेस्टेंट आते हैं। जैसे जब हमने पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ पे बाहर से भी लोग आए थे, दुबई से भी लोग आए थे, लंदन से भी लोग आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट, 60 लोग थे हम, तो 60 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद वहाँ पे आपको वर्कशॉप दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, जेस्चर पोस्चर कैसे करना है, चलना कैसे है, बैठना कैसे, कैसे आपको ड्रेसिंग सेंस लेना है, मेकअप करना, ये चीज़ें सिखाई जाती है। फिर आपका उसमें राउंड होते हैं, जैसे राउंड में टैलेंट राउंड हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, इस गाउन राउंड हो गया, इस टाइप के राउंड होते हैं। देन एट लास्ट जो होता है फाइनल में होता है, फाइनल में जजेस आते हैं, पैनल बनता है, वहाँ पे आपसे वहाँ पे फिर सारे राउंड एक बार दोबारा होते हैं, देन आपके मीडिया के सामने, सबके सामने क्वेश्चन आंसर किया जाता है, देन उनमें से एक विनर सेलेक्ट किया जाता है। पहला खिताब जीतने के बाद क्या अगला खिताब जीतना उतना ही आसान हो जाता है या वहाँ भी मुश्किलात रहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है ना, पहला किताब जब आप जीत लेते हैं तो दूसरा किताब जब आप जीतने के लिए जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है कि इसने तो पहले जीता है तो दूसरा भी शायद यही जीतेगा, तो वहां पे ऐसा होता है आपको थोड़ा प्रेशर भी होता है कि यार मैं जीत पाऊंगी नहीं जीत पाऊंगी, अगर नहीं जीत पाई तो लोग क्या कहेंगे कि पहला कैसे जीता, तो थोड़ा प्रेशर तो होता ही हर चीज में, थोड़ा कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस तो आ जाता है, और कॉन्फिडेंस के बेस पे हम आगे का काम भी करते हैं। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो हम उस स्टेज पे खड़े नहीं हो सकते, मेन कॉन्फिडेंस चाहिए हमें, वो चीज है। पहली बार कब जहन में आया कि आपको मॉडलिंग लाइन में या आर्टिस्टिक लाइन में, एंटरटेनमेंट लाइन में अपना करियर बनाना है? एक्चुअली मेरे को जब मैं स्कूल टाइम पे थी, मेरा उसी समय से वो मन था इसमें करने का। मैंने मिस उत्तराखंड का भी फॉर्म फिल किया था, वहाँ से भी मुझे कॉल आई, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हो गई थी कि मैं जा नहीं पाई। उस समय मैं दिल्ली चली गई थी, फिर उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद फिर मैंने मिसेस इंडिया वाला फॉर्म देखा, वो फिल किया, उसके बाद फिर बस सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन शादी का समझ में नहीं आया क्योंकि इतनी यंग, मतलब नहीं, यकीन नहीं हो रहा कि आपकी शादी हो गई। अपने को मेंटेन रखना पड़ता है, अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको उसी तरीके से अपने को मेंटेन रखना पड़ता है ना, नहीं तो आगे आपको काम कैसे मिलेगा? आप ग्लैमर इंडस्ट्री से अगर आप मोटे हो गए, ऐसे हो गए, तो आपको कौन बुलाएगा? अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? रीजन यही है ना, तो ये चीज होती है। पहली बार जब आपके जहन में आया कि आपको मॉडल बनना है या एक्टर बनना है, और जब पहली बार माता पिता को ये पता लगता है, तो आपके साथ भी वो सारी मुश्किलात हुई जो बाकी लोग के साथ नहीं, होता है, इजीली छोड़ दिया? नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स ऐसे नहीं है, उन्होंने कहा जो करना है वो करो, मतलब ऐसा कुछ नहीं। ना ही मेरे हस्बैंड ने ऐसा कहा, उन्होंने कहा जो जहां मन करता है वहां करो। मेरी फैमिली और मेरा पूरा, दोनों फैमिली बहुत सपोर्टिव है, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? फ्यूचर प्लान तो देखिए, कुछ प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं, लॉकडाउन की वजह से रुके हुए, अगर होपफुली सब कुछ ठीक रहा तो इस साल तक एक मूवी तो आई जाएगी बड़े पर्दे में, ये चीज़ है। मॉडलिंग में आगे क्या क्या कर रहे हैं आप, कुछ इवेंट्स वगैरह जो? हाँ, इवेंट्स मैंने किए नहीं, अभी होने भी वाले हैं, और लॉकडाउन से पहले मैंने इवेंट्स भी किए थे, और आज एक इवेंट कुमाऊं केसरी का किया, जहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इवेंट की अपनी एक अलग जगह है बाकी सारे इवेंट से, क्योंकि ये अपने कुमाऊं का इवेंट है। आप खुद भी उत्तराखंड से हैं, तो मैं चाहूंगा कि जो उत्तराखंड का टैलेंट है या जो प्रतिभाएं हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप खुद एक इवेंट में हैं। जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में प्रतिभाएं तो बहुत हैं, लेकिन उनको सही रास्ता नहीं मिल पाता। लेकिन जैसा कि आज प्रदीप जी और नाहिद जी ने एक इतना मॉडलिंग वर्कशॉप करी है, तो इससे मैं आशा करती हूँ कि उत्तराखंड का जो टैलेंट है वो लोगों के सामने आए, और लोगों को पता चले कि यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस एक सही दिशा दिखाने वाले इंसान की कमी थी, जो कुमाऊं केसरी ने वो भी पूरा कम्प्लीट कर दी है। चलिए मैम, आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा, थैंक यू फॉर कमिंग। मैम, हमारा शो का टैगलाइन है जस्ट अ बिगनिंग, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम कभी भी किसी चीज का एंड नहीं होता, दी एंड नहीं होता, तो हमारे शो का टैगलाइन है जस्ट अ बिगनिंग, तो एक बार जस्ट अ बिगनिंग।
तो आप आज फिल्मी चाणक्य पे देख रहे थे सलोनी मैम को, जिन्होंने काफी खिताब जीत रखा है, मॉडल हैं। उत्तराखंड के प्रतिभाओं के लिए इन्होंने एक संदेश दिया है जो कुमाऊं केसरी पूरा कर रहा है। तो मैम एक बार सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को बोल दीजिए और लाइक, फिल्मी चाणक्य के चैनल को प्लीज आप अपना सपोर्ट दीजिए, लाइक करिए और कमेंट दीजिए। ये चैनल अपना उत्तराखंड का है, प्लीज इसको प्रमोट करिए और इसका सपोर्ट करिए। थैंक यू, सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।